हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सर निकलते के रास्ते में बक्सोनाथ, मेरे ख्याल से टेंपल है यहाँ पे, बक्सोनाथ नाम से। यहाँ पे उसकी रिवर वगैरह या मेरे ख्याल से तालाब वगैरह है, देखते हैं क्या है एक बार। मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। ये रास्ता ऊपर थोड़ा सा ट्रैक है, छोटा सा, चलते हैं फटाफट। रास्ते में जाते ही बक्सोनाथ वाटरफॉल है और टेम्पल है। तो अपना यहाँ पे शॉल्स वगैरह लेने हो, जैसे कैप वगैरह चाहिए हो तो यहाँ मिल जाती है अपना। चलते हैं फटाफट एक बारी वहाँ। तो भाई ये एंट्रेंस, ये ऊपर मंदिर बक्सो टेम्पल जो है, वाटरफॉल देखते हैं बारी, वाटरफॉल कहाँ पे पहले मंदिर चलते हैं फटाफट से। तो भाई मंदिर से दर्शन कर लिए, मंदिर आपको दिखा दिया था यहाँ पे। मतलब कि हिमाचल का जो कल्चर है उस तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं नया, देख सकते हो ये जो बनना है वुडन। तो दर्शन वगैरह हो गए थे, अब यहाँ से निकलते हैं। दो भाई गाड़ी में बैठे हैं, उनको पिक करते हैं फटाफट से। पिक क्या करते हैं, मतलब हम वहाँ जाते हैं, उसके गाड़ी लेके चलते सीधा अपना डलहौजी और वहाँ के दिखाता हूँ बढ़िया बढ़िया व्यूज़। तो भाई तालाब है, देख सकते हो, इसमें लोगों ने अपने सिक्के के पानी में फेंक रखे हैं, विशेस वगैरह मांगते होंगे। सामने से देख सकते हो ये कोई शेर के मगरमच्छ के मुंह बने हुए हैं, यहाँ से पानी आ रहा है। ये अपना ऊपर टेंपल था, मतलब टोटल मिला के यार बेस्ट ट्रिप जा रहा अभी तक का। बाकी इतनी देर से मोमोज वगैरह खाने का मन था, मोमोज वगैरह खाते हैं, पहाड़ देख रहे हो। इधर वाला थोड़ा पूल टाइप का लग रहा था तो मैंने दिखाया नहीं, बाकी ये भी बेस्ट है, चलते हैं। भाई इसका भी मज़ा अलग है अपना सॉफ्टी। भाई सर्दी के अंदर इसका तो मज़ा ही अलग है, सॉफ्टी ले लिया, सॉफ्टी खाते हैं सर्दी में, अलग ही मज़ा आने वाला है, देख सकते हो, चॉकलेट और वेनिला मिक्स। भाई साहब भाई दिल्ली के बाद अब सेकंड डीजल डलवा रहे टैंक के अंदर, क्योंकि डीजल कम हो गया था, 4 डंडे बचे थे। अब देखते हैं कितने का डीजल आता है, टोटल एस्टिमेट बताऊंगा आपको लास्ट में कि हाँ भाई कितने का हमारी गाड़ी ने तेल मतलब डीजल खाया है। और इसके बाद अब अभी एक बंदे से बात हुई थी हमारी, वो कह रहा था कि बर्फ गिरी है। कहाँ बता रहा था भाई? खजियार। खजियार कह रहा था, खजियार बर्फ गिरी है। आज तो शायद ही जा पाएंगे, बट कल पूरा ट्राई रहेगा कि हाँ कल जाएंगे, कल जाएंगे भाई, 200 कल जाना है 200% कल खजियार। बाकी ठीक है, पंडित जी ने थोड़ा टेढ़ा लगा दिया, तेरा भी टेढ़ा लगा गया, इसका सीधा लगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा लगा दिया। चलो चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। तीन चार घंटे के ट्रैवल के बाद थोड़ा रुके थे, कुछ खा लेते, क्योंकि सुबह 10 बजे खाया था, 10 बजे से लेकर 5 बज चुके हैं शाम के, तो अब खाते हैं। मंगा लेते पनीर भुजिया आ गई है, अब रोटी आ रही है, तंदूर रोटी मंगाई, यहाँ पे नॉर्मल मिल नहीं रही है, ये मिर्ची। तो भाई शर्मा भोजनालय पे खाना खा लिया था, बाकी चंबा दिखाता हूँ। चंबा ये रास्ता जाता है, इसी रास्ते से हमें जाना है, यहाँ से भी काफ़ी मतलब कि 2-3 रास्ते कटते हैं ऊपर के लिए, हमें इस रास्ते पे जाना है। और निकलते हैं, अंधेरा होने वाला है, ठंड पड़ गई है भाई इस टाइम पे, देख सकते हो पहाड़ी डॉक्स। चलते हैं जल्दी से अब, क्योंकि ठंड बढ़ने लग गई है। तो भाई सर्दियों के टाइम पे पहाड़ों पे आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है। तो यार गाड़ी रोकी थी मैंने एक चीज़ दिखाने के लिए, दिखाता हूँ यार कितनी शानदार चीज़ है। सनसेट हो रहा है, देख सकते हो भाई सनसेट हो रहा है, कोहरा कोहरा बादल बादल कैसे लगे हमें पहाड़ों पे। ये अपना रोड, वो खड़ी अपनी गाड़ी। रॉकेट भी आ रहा है, नीचे सनसेट, एक साथ दो दो चीजें देख के भाई सीरियसली दिल खुश हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है, सेकंड डे सेकंड होटल के अंदर, एक बार यहाँ का व्यू भी चेक करा तो कैसा। और ब्रेकफास्ट करने आए थे, ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ आपको क्या ब्रेकफास्ट ले रहे आज हम। तो भाई ब्रेकफास्ट आ चुका है, देख सकते हो पोहा आ गया, मैक्रोनी आ गई, पराठे आ गए, दही आ गया, अब जल्दी से इसको खाते हैं। उसका खजियार जाना है, खजियार के लिए निकलते हैं फटाफट से, तैयार वैयार होके। तो यार 11:30 हो गए, नहा लिए थे, बल्कि देख सकते हो गर्म पजामे और गर्म बनियान पहन रखी है, बस ठंड हो रही है काफ़ी, फटाफट नहा लिया था। धूप आ रही है, व्यू देख रहे हो व्यू कितना तगड़ा है। बाकी अब जल्दी से रेडी होते हैं, अब हम जा रहे हैं यहाँ से खजियार। कह रहे हैं वहाँ पे लोग कह रहे हैं बर्फ बर्फ गिरी हुई है, तो देखने चलते हैं, क्योंकि यार घूमने आए थे, जगह नहीं घूमी तो होटल में थोड़ी ना रहना है, घूमने भी जाना है। तो चलते हैं यार सीधा खजियार, रेडी वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह मैंने निकाल के रखे हुए वहाँ पे, बाकी फैले भी पड़े आधे ज़्यादा कपड़े रूम में सबके, इधर उधर रखे हैं। तो यार जल्दी रेडी होते हैं फटाफट चलते हैं।